नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जिया किचन रेसिपी यूट्यूब चैनल और मैं घनश्याम चौरसिया आज आपके लिए फिर एक और नई रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की हमारी रेसिपी है अमाड़ी के फूलों की चटनी। तो जैसा कि आप ये देख ही रहे होंगे, ये अमाड़ी के फूल हैं। जब ये फूल से फल बनने की अवस्था होती है उस दौरान इस तरीके से हो जाते हैं और इनकी पंखुड़ियों को हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने लगभग आधा किलो मार्केट से ख़रीद कर लेके आया हूँ, लेकिन मैं इसे पूरे की नहीं बना के बताऊँगा आपको, सिर्फ थोड़े से फूलों की चटनी बनाऊँगा और फिर बाद में एक रेसिपी और डालूँगा, इसकी सब्ज़ी भी बनती है। तो सबसे पहले हम ये जो इसे पंखुड़े निकाल लेंगे और इसके अंदर जो हरे कलर का जो फल है, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ये इस हरे फल को हम फेंक देंगे, ये हमारे कोई काम का नहीं होता। लेकिन ये जितना ये लाल कलर की जो पंखुड़ियाँ हैं हम इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ये बहुत खट्टी होती हैं और इसकी चटनी बहुत ही शानदार एकदम खट्टी मीठी चटनी बनती है। तो वो चटनी हम आपको बना करके बताएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इन्हें निकाल लीजिएगा ये, और दोस्तों बहुत अच्छी होती है, इससे विटामिन सी से भरपूर है ये, और ये इन्हीं दिनों में मिलती है, हमेशा नहीं मिलती, और ख़ास करके शहरों में तो ये उपलब्ध हो ही नहीं पाती, कभी जभी मार्केट में आती है। देखिए, हमने ये इतने फूल पंखुड़ियों को अलग कर लिया है और अब हम ये चार से पांच हम लहसुन की कलियां लेंगे और इन्हें इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट करके रख लेंगे, ये देखिए। और साथ में हम इसमें ले रहे हैं हरी मिर्च। तो दोस्तों ये वे तीन से चार जैसे हरी मिर्च है, और हरी मिर्च में ही बनाना तो ज़्यादा टेस्टी रहेगी, लाल मिर्च बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, इसके स्वाद में अंतर आ जाता है, इसलिए इसकी चटनी जितनी अच्छी हरी मिर्च के साथ लगती है लाल मिर्च के साथ नहीं लगती है। और चलिए हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती भी ले लेते हैं, ये जैसे आप देख ही रहे होंगे, और ये देखिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसे कैसे बना जाता है। देखो दोस्तों, एक तो ये चॉपर है और एक ये खलबत्ता है देखिए, और आप इसे चाहे तो सिलबट्टे पर ही पीस के बना सकते हैं या मिक्सर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे इस तरह से चॉपर में इसके अंदर डाल करके बनाऊंगा, तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो देखिए, इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालें और फिर इसको आप इसे चटनी इसकी बनाएं। तो मैंने इसमें ये अमाड़े के फूल, हरी धनिया, लहसुन और हरी मिर्च डाल दिए, और अब इसे हम ढक्कन लगा देते हैं, और फिर अब ये देखिए इस तरीके से हम इसे बिल्कुल बारीक कर लेंगे, क्योंकि कई लोग इसे बनाते हैं, हमारे घर भी हम बनाते हैं तो पत्थर पर पीस करके बनाते हैं, लेकिन ये इस तरीके से जो बनाते हैं वो बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस तरीके से ये बहुत अच्छे से बन चुकी है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे गुड़, क्योंकि दोस्तों इसमें गुड़ डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फूल बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो ये देखिए, अब हम पुनः इसे इस तरीके से और चॉप कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये शानदार चटनी बन करके तैयार हो चुकी है, और अब हम इसे किसी प्लेट वगैरह में निकाल लेते हैं। तो चलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और दोस्तों, इसमें आप चाहें तो भुना जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका थोड़ा टेस्ट बदल जाता है, इसलिए आप इसे ऐसे ही बनाएं। बहुत इसमें सिर्फ हरी मिर्च, लहसुन और हरी धनिया और नमक डालें दोस्तों, बहुत ही शानदार बनेगी। तो चलिए, ये चटनी बनकर तैयार होगी। चलिए दोस्तों, ये इस चटनी को मेरी बेटी आपको टेस्ट करके बताएगी कैसी है। अच्छी है। बहुत बहुत टेस्टी। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है, और आज हमने ये रेसिपी बनाई है। चलिए दोस्तों, ये शानदार रेसिपी हमने आपके लिए बना के रख ली। यदि आपको हमारी ये रेसिपी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना,
बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल को जरूर सेलेक्ट करना। धन्यवाद।